प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में केंद्र की सरकार का कार्यकाल करीब करीब 4.5 साल तक हो गया, खत्म हो रहा है। और माननीय योगी साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसको भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन इन सरकारों से प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से ऊब गई, विकास के काम पूरे ठप हो गए, कल्याणकारी योजनाएं जो भी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों के लिए पेंशन योजना चलाई थी, कन्या विद्याधन चलाया था, लैपटॉप चलाया था, ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना होती है कल्याणकारी काम करना, तो जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी सब पूरी तरह से ठप हो गई, बंद हो गई। आज किसान तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आमदनी हम दूना करेंगे, लेकिन हकीकत जाकर देखिए किसानों के गांव में खेतों पर, तो हकीकत आपको नजर में आएगी कि सारी फसल चौपट कर गए हैं, सांड चर गए हैं, कहां से उनका उत्पादन बढ़ेगा, कैसे किस स्रोत के द्वारा आमदनी दूनी होगी, ये सब कागजी बातें हैं, कल्पित हैं, जिनको इस प्रदेश और देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जान गई है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से इनकी सरकार को नकार देगी और महागठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी।